In the second part of the factors determining the climate of India, we have discussed how the distribution of land and sea and the relief affect the climate of India. In this video, we'll be discussing about the other factors affecting the climate of India. The distance from the seacoast affects the climate of a place. First, we'll be understanding it in the form of land and sea breeze. यानी स्थलीय समीर और समुद्री समीर कैसे किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। पहले हम बात करेंगे दिन के समय की। दिन के समय जब सूरज चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थलीय भाग जो है वो जल्दी गर्म होता है। उसके साथ साथ ही स्थल की वायु भी समुद्र की वायु से अधिक गर्म हो जाती है। जब वायु गर्म होती है तो वो हल्की होती है और ऊपर की ओर उठने लग जाती है। इस वजह से जो स्थलीय भाग है उसके ऊपर निम्न वायु भार उत्पन्न हो जाता है और समुद्र के ऊपर उच्च वायु भार की स्थिति उत्पन्न होती है। इसीलिए दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र और ठंडी वायु चलती है, जिसे हम समुद्र समीर सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। ठीक इसके विपरीत रात के समय सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। रात के समय समुद्र पर स्थल की अपेक्षा तापमान अधिक रहता है और वायु भार कम हो जाता है। फलस्वरूप वायु स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसे हम लैंड ब्रीज या स्थलीय समीर के नाम से जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, उन इलाकों में समुद्री समीर का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये हवाएं इन इलाकों की जलवायु को ठंडा करती हैं, स्वास्थ्यप्रद बनाती हैं और तापमान को 8 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देती है, जिससे वहां पर रहना आसान हो जाता है। ये सिचुएशन है नाइट की सिचुएशन, जिसे हम लैंड ब्रीज के नाम से जानते हैं। उसी तरह से पूर्व वाले वीडियो में हमने देखा है कि जैसे हम समुद्र तट की से दूर जाते हैं, वैसे वैसे क्लाइमेट के अंदर चेंज आता रहता है। उसका मुख्य कारण था स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो जो समुद्री भाग है या जो समुद्र के निकट वाले क्षेत्र हैं, वहां पर तापमान लगभग एक समान रहता है। दिन और रात के तापमान के अंदर वेरिएशन ज्यादा नहीं पाया जाता है। और जैसे जैसे हम समुद्र से दूर स्थित स्थानों पर पहुंचते हैं, वैसे वैसे तापमान के अंदर वेरिएशन आने लग जाता है, तापमान असमान होने लग जाता है। मतलब समुद्र तट के किनारे जो स्थित भाग हैं, वहां पर सर्दी में कम सर्दी, गर्मी में कम गर्मी रहती है, क्योंकि समुद्र तट जो है उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करता है। और जैसे जैसे हम समुद्र तट से दूर वाले स्थानों पर पहुंचते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि सर्दियों का जो तापमान है वो बहुत नीचे गिर जाता है और गर्मियां जो हैं उनमें तापमान ऊपर की ओर, यानी कि गर्मी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे मुंबई का जो तापमान है वो दिल्ली के तापमान के अंदर, दोनों में वेरिएशन पाया जाता है। दिल्ली का तापमान अधिक है क्योंकि समुद्र तट के निकट जो बॉम्बे स्थित है, वहां पर जनवरी और जुलाई का जो टेम्परेचर है अप्रोक्सीमेटली 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है। जबकि दिल्ली, जो कि समुद्र तट से बहुत दूर पर स्थित है, वहां पर जनवरी और जुलाई का तापमान जो है 14 डिग्री से लेके 31 डिग्री या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस फैक्टर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी कोस्ट इफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। द नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल
found at a place also affects the climate of that place. हिम और वनस्पति से जो ढके हुए भाग हैं, वो भूतल पर सूर्य से प्राप्त हुए अधिकांश ताप को परिवर्तित कर देते हैं। इस वजह से उन प्रदेशों में तापमान अधिक नहीं पाया जाता। इसके विपरीत बालू मिट्टी और काली मिट्टी से जो ढके हुए भाग हैं, वहां पर सूर्य ताप का अवशोषण हो जाता है और उस वजह पर वहां पर तापमान अधिक हो जाता है। उसी तरह से जिन प्रदेशों में मेघ छाए हुए रहते हैं, यानी कि क्लाउडी एरियाज जो हैं, वहां पर वर्षा अधिक होती है और वहां पर तापमान अधिक नहीं हो पाता, क्योंकि जो क्लाउड्स हैं उनकी वजह से सूर्य की किरणों का परावर्तन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है, वहां पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, बट वहां पर तापमान अधिक नहीं हो पाता बिकॉज दे आर कवर्ड विद स्नो। वहां पर जो मेघ रहित क्षेत्र है और जो मरुस्थलीय भाग हैं, उनके कंपैरिजन में तापमान बढ़ नहीं पाता। और भारत के अंदर हम ये देखेंगे कि राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है या इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, वहाँ पर बालू मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पर मरुस्थल पाया जाता है, जो कि भारत की जलवायु को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वील ट्राई टू understand how the cloud cover affects the climate and temperature of a place. By means of evaporation, when the warm air rises, it reaches the upper layer of the atmosphere, where it gets condensed and form clouds. जब clouds formation हो जाता है, तो वो किसी भी जगह के तापमान को प्रभावित करता है। मेघाजित प्रदेशों में दैनिक तापमान कम पाया जाता है, क्योंकि मेघों के आवरण के कारण किरणों के मार्ग में बाधा आती है, जिसके कारण दिन के समय कम सूर्यताप प्राप्त होता है और रात को विकिरण के द्वारा ताप के नष्ट होने में भी क्लाउड्स जो हैं वो एक ऑब्स्टिकल फॉर्म करते हैं। जबकि जिन क्षेत्रों में क्लाउड्स नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो मेघ रहित प्रदेश हैं, वहाँ दिन के समय तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है और रात्रि के समय विकिरण द्वारा तापमान कम हो जाता है। अतः उस क्षेत्र के अंदर तापमान अंतर बहुत अधिक बढ़ जाता है। So this is how the cloud cover affects the climate of a place. By means of this slide, we'll understand how the earth and the sun relationship affect the climate of a place. Prithvi ki surya se duri kisi sthan ki jalvayu ko kaise prabhavit karti hai? Ye hume pata hai ki Prithvi surya ke gird ek andakar path mein paribhraman karti hai. 21 June ke din, the earth is in दी एपिहेलियन पोजिशन। पृथ्वी जो है अप्सौर की स्थिति में होती है और सूर्य से 15.12 किलोमीटर्स, करोड़ किलोमीटर्स की अधिकतम दूरी पर होती है। और 22 दिसंबर के दिन दी अर्थ इज इन दी पेरिहेलियन पोजिशन, दैट इज उपसौर की स्थिति में होती है और इसकी सूर्य से दूरी जो है न्यूनतम दूरी होती है, जो है 14.50 करोड़ किलोमीटर। अतः जून की अपेक्षा दिसंबर में पृथ्वी को 6.6% अधिक सूर्य प्राप्त होता है और ये किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण कारक होता है। द बिल्डअप एरिया ऑफ अ प्लेस इज
newly developed phenomena or factor which is affecting the climate of a place. जितने भी सीमेंटेड या कंस्ट्रक्टेड एरियाज हैं वो सूरज के ताप को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और लंबे समय तक गर्म रहते हैं. इट वर्क्स जस्ट लाइक द लैंड पोर्शन या स्थलीय भाग जिस तरह से कार्य करते हैं उसी तरह से ये सीमेंटेड और कंस्ट्रक्टेड एरियाज भी काम करते हैं और इन एरियाज को अगेन ठंडा होने के लिए भी एक लंबा पीरियड चाहिए. इसीलिए समर सीजन के अंदर जितने भी बिल्डअप एरियाज हैं शहरों के सिटीज के वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ड्यू टू द सन्स एनर्जी. जितना भी स्मॉग है पोल्यूशन है प्रदूषण है कार्बन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर है वो भी अब किसी भी जगह के तापमान को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारण होता है जो कि उस जगह के तापमान को इवन वर्षा को भी नियंत्रित करता है. डिफॉरेस्टेशन पोल्यूशन पॉपुलेशन ग्रोथ अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी वनों की कटाई प्रदूषण जनसंख्या का बढ़ना नगरीकरण औद्योगिकरण कुछ आज के समय के अनुसार बढ़ते हुए कारक हैं जो किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं. द टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ द प्लेस आर इफेक्टेड बाय दीज इनकमिंग फैक्टर्स अपग्रोइंग फैक्टर्स. थैंक यू.